चलो The next goal to understand about gymnosperms. Now, when we talk about gymnosperms, split the term. Gymno means what? Gymno means naked, and a sperm means seed. So gymnosperms are nothing but naked seeds. ठीक है, नेगेटिव सीड्स मतलब क्या? मतलब ये कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जब सीड्स बनते हैं तब ये सीड्स कोई भी फ्रूट से कवर्ड नहीं होता. दैट इज द रीजन यू कॉल इट एज नेगेटिव सीड्स बिकॉज़ देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन. व्हाई विल देयर बी नो फ्रूट फॉर्मेशन? बिकॉज़ देयर इज नो ओवरी दैट इज सीन इन दिस प्लांट. ठीक है, जनरली कैसा होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड देन ओव्यूल. करेक्ट. इसके पास ये कुछ भी नहीं होता. एवरीथिंग इज एब्सेंट. द ओनली थिंग दैट इट हैज इज ओव्यूल. ठीक है, जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा कि लीफ रहता है, वो लीफ के अंदर स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स जो रहेंगे उसके अंदर स्पोरांजियम एंड ऑल ऑफ दैट. यस और नो? प्रिटी मच सेम चीज अपने को जिम्नोस्पर्म्स में भी दिखता है. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम थिंग इज सीन इन जिम्नोस्पर्म्स. But even gymnosperms will have those leafy structures and it will also form a conical structure which is called a strobili and all of that. Okay, let's try and understand each of that one by one. Very firstly, where exactly do we find gymnosperms? These are found in extreme conditions like it might be very humid condition or it might be very cold condition. ठीक है, इसके अलावा it has a of course well differentiated root, stem and leaves. ठीक है, where they can be either small or tall trees and generally there are shrubs which are seen. herbs nahi hote, herbs sabse chote hote hain. herbs nahi hote, shrubs ho sakte hain ye aur tall trees ho sakte hain, chote trees ho sakte hain, but they are mostly trees in nature. so when we talk about its well differentiated body structure, starting with roots very firstly. तो roots में इनके अंदर एक plant होता है जिसे हम कहते हैं pinus. ठीक है, pine tree also what you call it as. सुना है कभी pine tree के बारे में? pine tree ना एक लंबा सा ऐसा tree होता है जिसका video मैं दिखाता हूँ आज तुमको, या फिर I'll send you in the group. let's see. ठीक है, अपने ये connection पूरा नहीं, let's see. if we get time I'll show you the video. pinus tree होता है. ये पाइनस ट्री के पास जो रूट्स होते हैं उन रूट्स के ऊपर फंगस ग्रो हुआ रहता है. बिना फंगस के इसके रूट्स हमको दिखाई नहीं देते. अब अगर रूट्स के ऊपर फंगस ग्रो हुआ रहेगा तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यू कॉल इट एज, सो इट विल हैव माइकोरिजा प्रेजेंट ऑन इट्स रूट. वेरस जब हम साइकस का बात करते हैं तो साइकस विल हैव कोरालॉइड रूट्स. कोरालॉइड रूट, कोरालॉइड रूट्स क्या होते हैं? नारियल का झाड़ देखा है? yes. नारियल के झाड़ के नीचे अगर तुम देखोगे ना तो उसके रूट्स देखो ऐसा नाड़ी जैसा फिलामेंटस होते हैं. दोस फिलामेंटस रूट्स दैट यू सी इज कॉल्ड एज कोरालॉइड रूट्स. ठीक है, ये जो फिलामेंटस रूट्स होते हैं कोरालॉइड रूट्स उसके पास ना तीन लेयर होता है. यू हैव इट्स समथिंग लाइक दिस, आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर. इसका जो मिडिल लेयर होता है ना उस मिडिल लेयर के अंदर ब्लू ग्रीन अलगे ग्रो किया रहता है. मीनिंग कोरालॉइड रूट्स विल हैव साइनोबैक्टीरिया इन मिडिल लेयर
Now, what will be the role of cyanobacteria? What is the unique feature of cyanobacteria? So this is responsible for nitrogen fixation. हमने साइकस प्लांट देखा है कभी? इधर बंगले के बाहर आई गेस या कहीं पे भी जब तुम गार्डन में जाते हो तो पता है छोटा सा नारियल का झाड़ होता है, इतु सही होता है, जो पेड़ होता है जो दिखता नारियल के पेड़ जैसा लेकिन वो नारियल का पेड़ नहीं होता, ठीक है? That is cycas plant, जिसके leaves are very pointed. So when you talk about leaves of gymnosperms, so gymnospermic leaves, क्योंकि वो extreme condition में grow होते हैं, that is why they are modified also accordingly, ठीक है? जहाँ पे उसके leaves are long, needle shaped. They're very long and needle shaped, and they are covered by thick cuticle. Plus, they have sunken stomata. उनका जो stomata होता है sunken होता है. इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब leaf उसका कुछ ऐसा होता है pointed. नीडल शेप जैसा, और इसके ऊपर काफी थिक लेयर होता है क्यूटिकल का. क्यों थिक लेयर होगा क्यूटिकल का? बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो हो रहा है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाके में ज्यादातर ये पाए जाते हैं. तो जब इतना ठंड वाले में रहेगा तो उसके ऊपर थिक क्यूटिकल लगा दिया जाता है सो दैट ट्रांसपिरेशन कम से कम हो. और क्यूटिकल ऊपर लगाया हुआ है तो प्रिटी ऑब्वियस कि इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टोमाटा जो है दैट विल बी संकन इनसाइड, सो दे हैव sunken stomata. All of this modification is so that transpiration rate comes to come. समझ पा रहे? ये modification इसलिए दिखाई देता है इस plant में ताकि उसमें उसमें transpiration कम से कम. Transpiration कम होगा तो water loss कम होगा. तो इतना ठंड में जब बर्फ ही बर्फ है और पानी ही नहीं मिल रहा है, वो पानी harvest करके रख सकता है और अपने आप को मरने से बचा सकता है, ठीक है? तो ये चीज लीव्स के बारे में दिखाई देता है. जब हम इसके स्टेम के बारे में बात करते हैं तो इसका स्टेम या तो ब्रांच हो सकता है जो जनरली हमको पाइनस में दिखाई देता है, या फिर अनब्रांच हो सकता है जो हमको साइकस में दिखाई देता है, ठीक है? इसके अलावा हम बेसिक्स भी पढ़ चुके हैं. इधर लिखो तो लिखिएगा पीछे तुमको. इसके अलावा हम दूसरे बेसिक्स भी अभी जस्ट पढ़े, that they will have male strobili, या फिर they will have female strobili, ठीक है? जो male strobili रहता है उसे हम कहते हैं micro sporangiate. काय म्हणतात? micro sporangiate. आणि ह्याला काय म्हणणार मग आपण? मेगा स्पोरांजिएट. है ना, क्या बनना? मेगा स्पोरांजिएट. सो इफ आई जस्ट हैव टू ड्रॉ अ फ्लो शीट, आई विल हैव माइक्रो स्पोरांजिएट व्हिच इज नथिंग बट मेल स्ट्रोबिलाई या फिर मेल कोन. इसके अंदर लीफी स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट? तो वो लीफी स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर्स रहेंगे, तो व्हाट विल आई कॉल इट एज? माइक्रो, लेकिन उसमें स्पोर्स भी है, माइक्रोस्पोर. सो आई विल कॉल इट एज माइक्रो स्पोरोफिल्स, which is basically part of the same structure, right? This microsporophyll will have something called as microsporangia present in them, which will be, microsporangia is nothing but, क्या होता है ये? Anther. Anther जैसा structure. This microsporangia will obviously have माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट इन देम. ये माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे? पोलन ग्रेन्स.
इस पोलन ग्रेन के अंदर दिस पोलन ग्रेन विल कॉन्स्टिट्यूट टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. आर वी क्लियर? यस सुनो बेटा, समझ पा रहे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सो बेसिकली इसके पास ना कुछ ऐसा कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसा. इस कॉनिकल स्ट्रक्चर में बाहर से काफी सारे ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं अपने को, समझ पा रहे? अब इस चीज को अगर मैं जूम कर कुछ ऐसे, सो दिस बिकम्स द लीफी स्ट्रक्चर. विद इन दिस लीफी स्ट्रक्चर इट विल हैव समथिंग कॉल्ड एज microsporangia, and within that microsporangia you will have pollen grains present. Or is pollen grain ke andar you will have two non-motile male gametes present. Samajh pa rahe ki nahi samjhe? Samjha sabko? Tanvi, Shreya, Shraddha, Sharvari, Purnima, Nakki, everyone, chale aage. Harsh, pakka? ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया उसका. आगे चलते हैं फीमेल को पढ़ने के लिए. फीमेल में क्या हो जाएगा? फीमेल विल हैव मेगा स्पोरांजिएट. मेगा स्पोरांजिएट क्या हो जाएगा? फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर फीमेल कोन? यस और नो? It will have female strobili या फिर female cone. Within this, obviously इसके पास भी leafy structure होंगे, which will have mega sporophylls. ठीक है, it will have mega sporophylls. अब इस मेगा स्पोरोफिल के अंदर उसके पास भी होगा मेगा स्पोरांजिया. दिस मेगा स्पोरांजिया दैट यू सी इन देम इज नथिंग बट आर्केगोनिया. इट इज नथिंग बट आर्केगोनिया which will have, actually not even archegonia, sorry. Megasporangia will be ovule. इसके अंदर leafy structure के अंदर directly ovule होगा और उस ovule के अंदर you will have megaspore. Now, when it has megaspore present in it, this megaspore will be archegonia, which will have egg cells present in it. Are we clear? Yes, yes or no, beta? Yes. Samajh pa rahe? Everyone, can we go ahead? Theek hai? अब लेट्स ट्राई टू सी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और हम आगे इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी देख लेंगे. बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो. इधर सारे यू हैव समथिंग लाइक दिस. इसमें यू हैव अ लीफी स्ट्रक्चर. इस लीफी स्ट्रक्चर के ऊपर यू हैव ओव्यूल विच इज प्रेजेंट समवॉट लाइक दिस. बहुत सारे ओव्यूल है कुछ ऐसे, ठीक है. अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर मैं जूम करूं तो कुछ ऐसा होता है ये ओव्यूल. कुछ ऐसे होते हैं ये ओव्यूल. थोड़ा टेढ़ा बन गया सेल, ठीक है. अब इस ओव्यूल के पास ये जो ओपनिंग हमको दिखाई दे रहा है, दिस ओपनिंग दैट वी सी ओवर हियर is called as micropyle. काय म्हणणार आहे याला आपण? micropyle. ये जो अपने को वॉल दिखाई देता है, इसको ये ओव्यूल को कवर करने वाला वॉल,
दैट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट. क्या बनना? इंटेग्यूमेंट. एक इंटेग्यूमेंट है, यस सर. त्यामुळे असल्या ओव्युलला आपण युनिटेग्मिक म्हणतात. काय म्हणतात? युनिटेग्मिक. जर दोन असेल तर बायटेग्मिक. दोन आपल्याला एंजियोस्पर्म्स मध्ये दिसणार, जिम्नोस्पर्म्स मध्ये फक्त एकच इंटेग्यूमेंट असतात, त्यामुळे आपण त्याला म्हणणार युनिटेग्मिक. कळतंय? आता काय असतं, हे आतलं स्ट्रक्चर जे आपल्याला दिसतंय ते असणार आहे न्यूसेलस. काय असणार? हा न्यूसेलस हायली न्यूट्रिटिव्ह टिश्यूने बनलंय. ठीक आहे, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू असल्यामुळे तो डेव्हलपिंग आर्केगोनियाला न्यूट्रिशन देणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा आर्केगोनिया बनतंय ह्या ओव्युल मध्ये, तेव्हा त्याला बनण्यातला बनायला उसको बनने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, आणि हे न्यूट्रिएंट्स तो न्यूसेलस वरून घेतो. कळतंय? तर कसं ते होतंय डेव्हलपमेंट एक्झॅक्टली क्या होता है? मायक्रोपाइल की तरफ न्यूसेलस के अंदर एक सेल होता है, एक ही सेल. इस सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल. क्या म्हणणार आहे? मेगास्पोर मदर सेल. म्हणजे हे टू एन असणार आहे डिप्लॉइड. हा मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, आणि मियोसिस करून ते आपल्याला चार मेगास्पोर देणार, आणि ऑल ऑफ देम विल ऑब्वियसली बी हॅप्लॉइड इन नेचर. ठीक आहे, तो अब ये कैसा दिखाई देगा? यू हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, आणि ह्याचा आपल्याला चार मेगास्पोर दिसले. 1, 2, 3, 4. फोर्थ वन बड़ा हो गया, बाकी के तीन छोटे छोटे हैं. ये बड़ा वाला ना सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है हर जगह से, तो नीचे के तीन को कुछ मिल ही नहीं रहा है. तो वो तीन बोले कि हम लड़ाई करें उसके पास से न्यूट्रिएंट्स ले, उसे बेटर है कि हम मर जाए, हमारे न्यूट्रिएंट्स की उसको दे देते, एटलीस्ट हमारे जमाने का एक बंदा तो बचेगा. तो वो मर जाते हैं. दीज थ्री टेंड्स टू गेट डीनेचर्ड एंड ओनली वन सर्वाइव. ठीक है, अब जब ये एक सर्वाइव कर गया है तो इसमें क्या होगा? एकता जगला है. दिस विल अंडरगो माइटोसिस. आता माइटोसिस के लिए आपल्याला दोन सेल भेटतात, तो परत एकदा माइटोसिस करतो. दोन्ही सेल माइटोसिस करणार का? नाही, फक्त एकच सेल माइटोसिस करणार, फक्त एकच सेल माइटोसिस करणार, आणि तो सेल माइटोसिस करून म्हणजे एक सेल इकडे एक सेल इकडे आणि एक सेल मायटोसिस केलंय, त्यामुळे तो बाहेर पडलाय. आणि तो बाहेर पडलेला सेल जो आहे तो नॉनस्टॉप डिवाइड होतोय, आणि डिवाइड होऊन पूर्ण न्यूसेलसला रिप्लेस करतोय. का न्यूसेलसला रिप्लेस करतोय सर? कारण का हे डिव्हिजनसाठी जे कोणतेही न्यूट्रिएंट्स हवे होते ते सगळे न्यूक्लियस कडून घेतले, तर न्यूक्लियस संपले पूर्ण. कळतंय? आता तुमचा घरी काजू कतरीचा डब्बा आणलेला आणि इतके पाहुणे आले की ते पूर्ण काजू कतरीचा डब्बा संपलाय. आता तो डब्बा संपला म्हणजे आता नवीन डब्बा आणावा लागेल ना आपल्याला, म्हणजे संपू आला असेल तरीही नवीन डब्बा आणावा लागेल आपल्याला. तर काहीतरी तसंच झालंय. जेव्हा आर्केगोनिया बनत होतं, म्हणजे हे दोन सेल्स तुटलेले आणि तीसरा सेल तुटलेला, तेव्हा सगळेच पूर्णपणे पूर्ण न्यूसेलस न्यूट्रिएंट्स घेऊन टाकले, आणि घेऊन टाकल्यामुळे आता आपल्या ते न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस करावं लागेल. तर रिप्लेस करण्यासाठी पूर्ण एंडोस्पर्म कम्स इन टू पिक्चर. सो नाव वॉट यू सी ऍट दिस पेरिफेरी विच युअर बिकम्स एंडोस्पर्म. काय आहे? अब अकल लगा के बताओ कि ये एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? जोर से बोलो, आई डिडंट हियर. हैप्लॉइड हो जाएगा. Why haploid? Meiosis हो गया ना बेटा, और वही सेल्स कंटिन्यूअसली माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा. तो इनका एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड. मेल गैमेट आया क्या? यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है, और वो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड भी होता है. समझ पा रहे कि नहीं समझे? ये इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में नीट एग्जाम में हमको आ सकता है.
आर वी क्लियर एवरीवन? पूर्णिमा सॉर्टेड है, चलो आगे। अब ये जो दो गोल गोल दिख रहे वो क्या हो गया सर? ये जो दो गोल गोल हमको दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल इज नथिंग बट आर के गोनिया, कहते जिसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके दो दो सेल्स बनाना शुरू कर देगा, वो कुछ ऐसे। अब ये दो सेल्स क्या हो जाएंगे? दोस विल बी एग सेल, कहते करते आता। स्ट्रक्चर क्या बना पूरा मैच्योर होने के बाद तो समझा? तो ये पूरा तब बनता है जब वो फीमेल स्ट्रोबिलाई मैच्योर हो गया। हम हर बार ही बोलते हैं ना कि स्पोर्स बने वो स्पोर्स मैच्योर हुआ, स्पोर्स बने वो स्पोर्स मैच्योर हुआ। इससे हम कहते हैं मैच्योरिटी कि जब ये पूरा बन जाएगा ना तो देन वी कॉल इट एज कि फीमेल स्ट्रोबिलाई जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। आर वी क्लियर एवरीवन? एवरीवन कैन आई गो अहेड? अब क्या होगा, ये जो पोलर ग्रेन इधर बना हुआ था वो पोलर ग्रेन उड़ के आएगा, इसको हम यहां बना देते हैं थोड़ा। अब क्या हो रहा है, पोलर ग्रेन जो है वो उड़ के आ गया इधर। पोलर ग्रेन जैसे ही उड़ के आता है वो सीधा माइक्रोपाइल पे जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे करके इट विल फॉर्म अ स्मॉल पोलन ट्यूब, वेरी स्मॉल पोलन ट्यूब इट फॉर्म्स व्हिच विल हैव मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन देम। दिख रहा है क्या पीछे तक? दिख रहा है ना, छोटा सा पोलन ट्यूब बनाएगा और उसके अंदर दो मेल गैमेट्स रहेंगे। वो दोनों मेल गैमेट को एक आर्केगोनिया के अंदर डाल लेगा व्हिच विल फ्यूज टुगेदर एंड दे विल फॉर्म जायगोट। आसान, फिर वो जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जब बना, जायगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहेगा वो एंडोस्पर्म से लिया जाता है। आप क्लियर कि नहीं समझे? वो पूरा ओव्यूल मैच्योर होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स लिया जाएगा वो न्यूसेरस से लिया जाएगा। मैच्योर होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जायगोट से एम्ब्रियो बनने वाला जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा दैट विल बी टेकन अप बाय एंडोस्पर्म्स। आप क्लियर समझ पाए? क्लियर है कॉन्सेप्ट एवरीवन? ये अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना चीज है बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की है हमको, ठीक है? तो यहाँ पे अंदर आया एंड दे आर गेटिंग फर्टिलाइज फॉर्म जायगोट, हमारा हो गया काम। अब क्या होता है आफ्टर दैट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो जायगोट है दैट इज फॉर्मिंग एम्ब्रियो, हो कि ना? एंडोस्पर्म तरी आए आपल्याकडे, तो ओव्यूल विल फॉर्म सीड एंड इंटेग्यूमेंट फॉर्म्स सीड कोट। अब क्लियर, ये पूरा ओव्यूल जो है यहां पे जिसमें एम्ब्रियो भी है एंडोस्पर्म भी है वो पूरा सीड बन जाएगा और इसके आसपास का कवरिंग जो है वो पूरा बन जाएगा सीड कोट। आर वी क्लियर? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है यहां तक एवरीवन? एनी डाउट्स? जाओ या पूरे, ठीक है? सो दैट्स हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स। वंस मोर और अंडरस्टूड? सबको समझा? कहां से ये सब समझा? यहां से क्या हो गया, ये फीमेल ओव्यूल यहां पे अपने को दिखाई देते हैं, वो ओव्यूल नए नए बने हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें इसे इंटेग्यूमेंट कहेंगे, ये न्यूसेलस हो जाता है और ये माइक्रोपाइल होता है। न्यूसेलस में माइक्रोपाइल के तरफ एक पर्टिकुलर सेल होता है जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनता? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो रहेगा वो डिप्लॉयड होता है, दैट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस जब करेगा तब चार मेगास्पोर मिलेंगे जो हैप्लॉयड होगा, इन चार में से तीन मर जाएगा और एक ही सरवाइव करेगा। जो एक सरवाइव किया वो दो बार ही माइटोसिस करता है, ये फर्स्ट माइटोसिस हो गया उसका जिसमें दो सेल्स मिल गए,
अब इनमें से एक ही सेल माइटोसिस करता है तो यू विल हैव सेकंड माइटोसिस टेकन प्लेस, जिसमें अब जो सेल बना है ना नया वाला वो पूरा एंडोस्पर्म बनाता है, और अंदर जो दो सेल्स, दो मेगास्पोर अपने को यहाँ पे मिले हैं, ये दो मेगास्पोर्स डेवलप होता है फॉर्मिंग आर्केगोनिया व्हिच विल हैव एक्स सेल्स प्रेजेंट। अब क्लियर बेटा, यस और नो? ये पूरा जब डेवलप हो गया रहेगा तो पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आके चिपक जाएगा। अब क्वेश्चन इसके पोलन ग्रेन्स कैसे आता है सर, तो तुमको ना एक टर्म दिया जाएगा दैट पोलन ग्रेन्स गेट पॉलिनेटेड बाय एनिमोफिली। यू हैव अ टर्म गिवन दैट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल of gymnospermic strobili by anemophily. Anemophily मतलब wind. Wind के मदद से pollen grains जो है वो male strobili से उड़के female strobili के ovule पे आके चिपक जाएगी। सिर्फ और सिर्फ wind से ही pollination होता है, ऐसा हमारा NCERT बोल रहा है, तो हम वही पढ़ के जाएंगे। Clear है यहाँ तक? चलो आगे। जैसे ही पोलन ग्रेन चिपक गया वो छोटा सा पोलन ट्यूब बना रहा है। ये पोलन ट्यूब जब वो बनाता है तब अंदर की जो दो मेल गैमेट है वो साथ में उस ट्यूब के आगे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आर्केगोनिया के अंदर जाएगा दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देगा एंड दे विल फ्यूज विद एग्स सेल फॉर्मिंग जायगोट। दिस जायगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो भी बन गया, एंडोस्पर्म भी बन गया, तो फिर पूरा ओव्यूल जो है वो बन जाएगा सीड और इंटेग्यूमेंट बन जाएगा सीड। आसान एवरीवन, क्योंकि इनका एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाता है, इनका एंडोस्पर्म विल बी हैप्लॉइड। तो क्या सर एंजियोस्पर्म्स मतलब हम जो मैंगो वगैरह खाते हैं उसका हैप्लॉइड नहीं होता? नहीं, उसका ट्रिप्लॉइड होता है। कैसे? वी विल अंडरस्टैंड। तुम बचपन में कर चुके हो ये कॉन्सेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन वाला, है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, हम वापस से पढ़ेंगे चीज बट अगले एपिसोड में। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? एनी डाउट्स? पक्की बात? अब इसमें एक थोड़े चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम थ्रू आउट इसमें एग्जांपल दो प्लांट का ही ले रहे हैं। देखो पाइनस साइकस दिसते, तर आता आपल्याला हे सुद्धा बघायचे की स्ट्रॉबेरीला आपल्याला कोणात कसं दिसते। तर जेव्हा आपण पाइनस प्लांटचं बोलू, पाइनस प्लांट आर मोनोइशियस। सर काय बोलतायत सर, मोनोइशियस काय? आता मोनोइशियस म्हणजे एकच प्लांट मध्ये आपल्याला दोन्ही मेल एज वेल एज फीमेल स्ट्रॉबेरी दिसतात, कळतंय? मोनो म्हणजे रिप्रोडक्शन साठी आपल्याला एकच प्लांट काफी आहे, त्याला मोनोइशियस म्हणणार आपण। जर दोन हवे असेल तर आपण काय म्हणणार त्याला? डायोशियस। आर वी क्लियर बेटा? यस ऑर नो? डायोशियस का यू विल हैव साइकस एज एन एग्जांपल। साइकस में एक प्लांट में एक ही टाइप का स्ट्रॉबेरी दिखाई देगा, या तो मेल या तो फीमेल। अब क्लियर एवरीवन? इतना लिखे पहले, चलो क्विकली राइट डाउन एंड देन वी विल गो टू अंडरस्टैंड फर्दर। So when we go slightly more ahead, so far whatever we understood were basic के gymnosperms में plant कैसा होता है, उसका reproduction cycle कैसा है and all of that. We go ahead finally to understand about the examples of gymnosperm. So when we talk about examples of gymnosperm, there are different types of gymnosperms that we see around. Two examples we already have done, which is pinus and cycas. Pinus and cycas is already done. इसके अलावा we also have something called as living fossil. Living fossil मतलब क्या है? कि ये इतना पुराना है कि fossil form में तो दिखता ही है अपने को, पर जिंदा form में भी दिखाई दे रहा है. That is living fossil. ऐसा एक plant है जिसका नाम है ginkgo biloba. क्या है? Ginkgo biloba. Very commonly asked in NEET examination, classes के test में भी आएगा. 5 marks दान में दे रहा हूँ. Tallest plant
जो है जो जिम्नोस्पर्म में बिलोंग करता है, इट इज सिकुआ प्लांट जो 366 फीट हाइट है, सबसे लंबा प्लांट है दुनिया में, सबसे लंबा प्लांट कोई भी डिवीजन का हो, कोई भी प्लांट डिवीजन का हो, ठीक है, उन सब में से मिला के सिकुआ प्लांट जो 366 फीट का है वो सबसे लंबा है। आगे क्लियर। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म दैट वी सी इज जामिया, दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड वाइडेस्ट दैट वी सी इज 125 फीट। 125 फीट इज समवेयर दिस मून, इतना इस बेंच से लेके इतना, ऑलमोस्ट इतना लंबा, इतना चौड़ा किसी एक प्लांट का जो गर्थ है, दैट इज दिस एंड इवन स्लाइटली मोर, उतना लंबा है ऐसा राउंड में। समझ पा रहे क्या हुआ पार्थ? हाँ बताइए। तो मैं इधर बरगद का पेड़ दिखा दूं सर, वो बरगद का पेड़ का ना थोड़ा ऐसे ऐसे बाहर निकला हुआ होता है, एंड दैट्स हाउ इट इज मोर, ये पूरा ऐसा राउंड है इतना बड़ा। आवे क्लियर। So that is widest, which is Flexorium, and we are talking about gymnosperm, which is widest. Are we clear? Everyone? Yes. Any doubts? So with that, we end up with your gymnosperms completely. Angiosperms, we will not do today. We don't have time, firstly. Secondly, there will be a lot of information, because gymnosperms and angiosperms are very same. So we'll keep it for the next time. Okay?